दिस इज कपिल का यूर साइस गुरु जी इस वीडियो के अंदर आपके लिए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर फाइनल बोर्ड एग्जाम तो आज हम डिस्कस करेंगे हेलो कैन एंड हेलोर की फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके अकॉर्डिंग एग्जाम्स में काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं तो वो सब डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा यदि आप चैनल पर मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास कि एल्काइल हेलाइड आर ए कलरलेस Van is a pure form however bromide iodide develop a color when exposed to the light मैनी वोलेटाइल हैरेजन कंपाउंड हैव ए स्वीट स्मेल तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया बच्चों कि जो अल्काइल हेलाइड होते हैं जिसको हम आरएक्स कहते हैं आर एक कलरलेस वैनिजे प्योर फॉर्म ये बेसिकली कलरलेस होते हैं जब ये प्योर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं ओनली ब्रोमाइड एंड आयोडाइड वो डेवलप करते हैं कलर को जब उसको आप एक्सपोज कर देते हैं किसी भी लाइट की प्रेजेंस के अंदर सेकेंड पॉइंट हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है मेल्टिंग एंड बोलिंग पॉइंट इसके ऊपर एग्जाम्स में काफी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं अब इसके अंदर देखिए हमने क्या राइट डाउन किया यहाँ पर कि मिथाइल क्लोराइड मिथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल ब्रोमाइड आर ए गैसेज एट ए रूम टेम्परेचर बट हायर मेंबर आर ए लिक्विड एंड ए सॉलिड ड्यू टू इंक्रीज इन दी वंडरवाल इंट्रैक्शन विच इंक्रीज इन दी साइज एंड मोलिकुलर मास तो देखिए इस केस के अंदर यदि बात करें कार्बन वन टू थ्री की बात करते हैं हमारे पास जो लेस नंबर ऑफ़ कार्बन होते हैं इस केस के अंदर जैसे एग्जाम्पल हमने किसका के लिया मिथाइल कोराइड का मिथाइल प्रोमाइड का इथाइल प्रोमाइड का ये सारे बेसिकली बच्चों गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एट टे रूम टेम्परेचर पर जो हायर मेंबर होंगे जिसके अंदर मोर देन ऑफ ए कार्बन होंगे मतलब यदि बात करें 15, 16, 17 कार्बन की बात करें वो लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करते हैं या सॉलिड फॉर्म के अंदर तो उसका रीज़न आप क्या दोगे ड्यू टू इंक्रीज इन दी वंडर वाल इंट्रैक्शन विद इंक्रीज इन दी इंक्रीज ऑफ ए साइज एंड मोलिकुलर मास जी जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ते जाते हैं तो उस केस में वंडर वॉल इंट्रैक्शन भी इंक्रीज होगी और वहाँ साइज भी इंक्रीज होगा और मोलिकुलर मास भी इंक्रीज़ होगा नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास पॉइंट नंबर फोर की यदि बात करें इसके अंदर थर्ड के अंदर बच्चों पहले कि द बोलिंग पॉइंट ऑफ ए अलकाइल हेलाइड अलकाइल हेलाइड हमारे पास आर एक्स आर हाइर देन ऑफ ए हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन में क्या आते हैं हमारे पास जैसे मिथेन आ गया इथेन आ गया प्रोपेन आ गया एल्केन ग्रुप आते हैं इसके अंदर कि जो बॉलिंग पॉइंट है एल्काइल हेलाइड का वो हाइयर होता है किससे से हाइड्रोकार्बन से तो रीजन क्या दोगे आप इसका अभी क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे बनता है कि वाई द बोलिंग पॉइंट ऑफ ए अल्कल हेलाइड इज हायर देन ऑफ ए हाइड्रोकार्बन

द बोलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हेलाइड इंक्रीज इन दी ऑर्डर यदि सेम एल्काइल ग्रुप है हमारे पास सेम एल्काइल ग्रुप का मतलब यदि बात करें यहाँ पर सी एस थ्री एफ ले लिया आपने सी एस थ्री सी एल ली यहाँ पर सी एस थ्री बी आर ली यहाँ पर सी एस थ्री आई तो सबसे ज़्यादा जो बोलिंग पॉइंट है बेसिकली वो बच्चों किसका होगा हमारे पास आर आई का होगा या फिर सी एस थ्री आई का होगा तो इसका रीज़न आप क्या दोगे दिस आकर ड्यू टू इंक्रीज इन दी वंडरवाल इंट्रैक्शन की जो वंडरवाल इंट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है कि विच इंक्रीज़ विद इन दी इंक्रीज ऑफ ए साइज़ ऑफ ए हेलेजन एटम तो सिंपल सी बात है बच्चों जो नंबर ऑफ है यहाँ पर विंटर वाल इंट्रैक्शन इंक्रीज होगी इंक्रीज क्या होगा इसके इसके अंदर साइज ऑफ ए हे एटम फिफ्थ पॉइंट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने दे रखा है ये बोर्ड एग्जाम्स के अंदर हर बार पूछ लिया जाता है कि मेल्टिंग एंड बोलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीज़ विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ़ ए हेलीजन एटम कि जो मेल्टिंग एंड बोलिंग पॉइंट है वो कब इंक्रीज होगा बेसिकली बच्चों जब इंक्रीज़ क्या होंगे नंबर ऑफ़ ए हेलीजन एटम इंक्रीज़ होंगे due to increase in the van der wall interaction क्योंकि उस केस में क्या होती है कि जो वेंडर वाल इंटरेक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाती है तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सी एस थ्री सी एल सी एस टू सी एल टू और सी एच सी एल थ्री और सी सी एल फोर अब इस केस में यदि बात करें तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग एंड बोलिंग पॉइंट किसका होगा सी सी एल फोर का अब रीजन क्यों होगा बेसिकली बच्चों तो यहाँ से आप लिखोगे इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ ए हेलिजन एटम जब नंबर ऑफ़ ए हेलीजन आइटम इंक्रीज होंगे तो उस केस में क्या इंक्रीज होगी वेंडर वाल इंट्रेक्शन भी इंक्रीज़ होगी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके मल्टी

विच इज़ इन द मेल्टिंग एंड बोलिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीज तो सिंपल सी मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर कि जो ब्रांचिंग होती है जो ब्रांच बनती है सेकेंडरी बने या फिर उसके अंदर ट्रसरी बने वो डिक्रीज़ कर देती है किसको साइज़ को तो वेंडर वाले इंट्रैक्शन भी क्या हो जाएगी उसकेस में डिक्रीज़ हो जाएगी और यदि बात करें इसके अंदर मेल्टिंग एंड बोलिंग पॉइंट भी क्या होगा डिक्रीज़ होगा अब यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिया तो एग्जाम्पल से समझिए आप सबसे पहले कि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड अब आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का फॉर्मूला मैंने यहां पर राइट डाउन किया है और ये क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सी एस थ्री सी एच के ऊपर सी एल और सी एस थ्री दिस इज ए आइसोप्रोपाइल क्लोराइड अब इसका बोलिंग पॉइंट बेसिकली लोअर होता है एज कंपेरिजन ऑफ ए किस से एन प्रोपाइल क्लोराइड से ये फार्मूला किसका है हमारे पास एन प्रोपाइल क्लोराइड का सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू और सी एल अब इसका रीज़न क्या दोगे कि जो ब्रांचिंग है वो डिक्रीज कर देती है किसको बेसिकली बच्चों साइज़ को जब ब्रांच डिक्रीज करती है साइज को तो वेंडर वाल इंट्रैक्शन भी क्या होगी डिक्रीज़ होगी और जब वेंडर वाल डिक्रीज हो जाती है तो उस केस में मेल्टिंग एंड बोलिंग पॉइंट भी क्या होगा उसका डिक्रीज़ होगा तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इसको यहाँ से नोट कर लीजिए नेक्स्ट हमारे पास यहीं पर है बेसिकली बच्चों एक एग्जाम्पल दिया मैंने डाइक्लोरो बेंजीन का ऐसे ही मेटा डाइक्लोरो बेंजीन का ऐसे ही हमारे पास डाइक्लोरो बेंजीन का अब ये इंपॉर्टेंट सी ट्रिक्स मैंने राइट की है यहाँ पर यदि बोलिंग पॉइंट की बात करें तो बोलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होता है ओर्थो पोजिशन का औरथो कौन सी है हमारे पास ये वाली और उसके बाद फिर पैरा का फिर बच्चों हमारे पास मेटा का यदि मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट हमेशा किसका होता है पैरा आइसोमर का फिर हमारे पास ओर्थो का फिर हमारे पास मेटा का अब यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन रेडी हो जाता है कि वाई इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए पैरा आइसोमर इज ए हायर देन ऑफ ए ओर्थो आइसोमर अब इस केस में देखिए यहाँ पर इसका आंसर मैंने प्रॉपर वे से राइट डाउन किया हुआ है यहाँ पर कि जो पैरा आइसोमर होते हैं हैव इज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट देन ऑफ ए ओर्थो एंड ए मेटा आइसोमर ऑफ दिसमिट्री ऑफ ए पैरा आइसोमर क्योंकि जो पैरा आइसोमर है उस केस में क्या होती है बच्चों सिमिट्री होती है ऊपर नीचे बिल्कुल सेम सिमिट्री होती है एज द रिजल्ट ऑफ ए क्लोज पैकिंग ऑफ ए कॉन्स्टिचुएंट पार्टिकल कि जो इसके पार्टिकल है आपस में क्या होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं तो ये इसका रीज़न दोगे यदि क्वेश्चन आपसे ये पूछ आप लिया जाता है कि जो पैरा आइसोमर है उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है एज कंपेरिजन ऑफ ए ऑर्थो एंड मेट आइसोमर तो सिंपल है सबसे पहले सिमिट्री होती है पैराइसोमर के अंदर उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं तो ये आपने इसका रीजन देना है इसी में मैंने एक नोट लिखा है यहाँ पर बेसिकली बच्चों की पैरा आइसोमर ए लो सोलेबिलिटी पैरा आइसोमर की जो सोलिबिलिटी है वो कम होती है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटर मोलिकुलर अट्रेक्शन बिटवीन द कॉन्सिचुएंट पार्टिकल अभी आपने पढ़ा था कि जो पैरा आइसोमर है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर सिमेट्री होती है उसके पार्टिकल्स आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं बट इसकी जो सोलिबिलिटी होगी वो कम होगी तो क्यों होगी बेसिकली बच्चों कि ड्यू टू द स्ट्रॉग इंटर मोलिकुलर अट्रेक्शन बिटवीन द कॉन्सिचुएंट पार्टिकल नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास स्टार्ट होता है यहाँ पर डेंसिटी अब डेंसिटी के केस में देखिए जो हमारे पास यदि बात करें इसके अंदर बच्चों ब्रोमो आइसोमर आइडो की बात करें या फिर पोली क्लोरो डेरिवेटिव की बात करते हैं ऑफ ए हाइड्रोकार्बन आर हैवियर देन ऑफ ए वाटर ये बेसिकली हैवियर होते हैं किससे वाटर से कि डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज नंबर ऑफ ए कार्बन एटम तो यहां से नोट कीजिए काफी इंपॉर्टेंट है इस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है कि जो डेंसिटी है डेंसिटी इंक्रीज कब होगी जब इंक्रीज होंगे नंबर ऑफ ए कार्बन एटम हेलेजन आइटम एंड एटोमिक मास ए हेलिजन एटम, एटम। देखिए इस केस में सिंपल सी बात बोली गई कि जब नंबरों पर कार्बन ऐटम इंक्रीज़ होंगे तो उस केस में बच्चों वंडरवाल इंट्रेक्शन भी इंक्रीज होगी साइज़ भी इंक्रीज़ होगा यदि बात करें डेंसिटी भी इंक्रीज़ होगी तो ये आपने याद रखना है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसी के अंदर है बेसिकली बच्चों पॉइंट नंबर नाइन की सोलिबिलिटी के अंदर आता ये एलकाइल हेलाइड जिसको हम आर कहते हैं आर जर्नली इनसोलेबल इन वाटर ये पानी के अंदर सोलेबल नहीं होते बिकॉज देर आर ए स्ट्रोंगर इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग विद ए वाटर मोलिक्यूल तो सिंपल सी बात बोली गई है यह यहाँ पर कि जो अल्काइल हेलाइड हैं वो जर्नली इनसोलेबल हैं किसके अंदर वाटर के अंदर बिकॉज उनके बीच में स्ट्रोंग क्या होती है बच्चों इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अमंग विद ए वाटर मोलिक्यूल अब इसका जो रीजन दोगे आप यहाँ से कि हाव द रिजल्टिंग ऑफ ए इंट्रैक्शन बिटवीन द मोलिकूल ऑफ एल्काइल हेलाइड एंड वाटर आर ए वीक जो रिजल्ट हमारे पास बन के आएगा जो इंट्रेक्शन है किसके बीच में मोलिक्यूल ऑफ एल्काइल हेलाइड और वाटर के बीच में वो क्या होती है वीक होती है तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हाव एवर एल्काइल हेलाइड आर ए सोलेबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट तो ये किसके अंदर सोलेबल होते हैं ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर सोलेबल होते हैं या फिर जिसके अंदर एग्जाम्पल आप दे सकते हो बेंजीन थर एक्सेट्रा दिसल ऑफ ए हमारे पास अब देखिए बच्चों यहां पर जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किए डेंसिटी पे क्वेश्चन बना सॉलिबिलिटी पे क्वेश्चन बना और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क क्वेश्चन हमारे पास बना यहाँ पर पॉइंट नंबर सिक्स पे पॉइंट नंबर फाइव पे कि जब नंबर ऑफ हेलिजन आटम इंक्रीज होंगे तो तभी मेल्टिंग एंड बोलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा ब्रांचिंग होती है तो उस केस में मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है यहां पर ये यह क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट आई प्रोफाइल क्लोराइड इज ए हायर लोवर बोलिंग पॉइंट देन ऑफ ए एन प्रोपाइल को राइट तो यहाँ से आप इसको नोट कीजिए बोलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है ऑर्थो पोजिशन का मेल्टिंग पॉइंट की यदि बात करें तो वो पैरा इसोमर का तो ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप एंड ट्रिक्स लेके आएंगे जय हिंद जय भारत